दाढ़ी बहुत बढ़ गई यार। पहले आप लोग की वीडियो देखें फिर आपसे डिस्कस करता हूँ। और हमारा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इतना बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ, आई स्वेयर। हम इनके क्लाइंट हमेशा के लिए, और जितने मेरे रेफरेंस के लोग हैं जो कि कार एंथुजियास्ट हैं और इधर आते हैं और दूसरे रेंटल कार से गाड़ियां लेते हैं, उन सबको मैसेज देना चाहता हूँ, एक दफा इस बंदे को आजमाओ, बहुत मजा आएगा। कोई स्कैम नहीं, किसी किस्म का कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे बात, मुझे कोई एक अच्छा बंदा मिला। सो बी ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच यार दाऊद भाई। और ये बिल्कुल ही हमारी तरह के एंथुजियास्ट हैं खुद भी गाड़ियों के, तो इनको एक दफा लास्ट भी आप लोग बताएं, ये नंबर नीचे आ रहा है, मैं तो खुद अब इनको प्रमोट करना चाहता हूँ ताकि एक दफा इनको भी हमारा पता लगे कि यार इन्होंने इतना अच्छा गेस्टर दिया, हमने क्या गेस्टर दिया। और इनके इनको डायरेक्ट कॉल करें इस नंबर पे जो नीचे आ रहा है, और इनसे रेट्स कर लें जो मर्जी करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक है, जबरदस्त है, फिट है। एक्सट्रीमली सॉरी, आज ये बहुत शेकी होने वाला है क्योंकि स्टैंड जो है मुझसे फिट करते हुए टूट गया है, मैंने फंसाया फंसू हुआ है टिश्यू के साथ। खैर, ये जो आपने वीडियो देखी है, ये मेरा जो है पहले मैं इसका क्लाइंट था, अब तो खैर दोस्त बन गया हूँ। ये दाऊद है और DXP लग्जरी कार हायर का ओनर भी है, और इसके पास सारी एग्जॉटिक कार्स होती हैं, फरारी, ऑडी R8, लैम्बोर्गिनी, उसके बाद हरिकेन, उसके बाद मर्सेलाजो, ठीक है, और इस तरह की कई डिफरेंट जो एग्जॉटिक कार्स है ना वो इसके पास होती हैं, ये रेंट पे देता है दुबई के अंदर। मैं जितनी दफ़ा भी लेता हूँ सारी इसी से ही लेता हूँ जाके, क्योंकि मुझे पता होता है अगर छोटा मोटा टुक शुक भी हो गया ना तो ये बंदा जो है ना बर्दाश्त कर लेता है, अपना बॉय भी है। तो मेरा एक्सपीरियंस नहायत अच्छा रहा है इस बंदे के साथ, तो उस चक्कर में आके मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक व्लॉग बनाऊं, आपको बताऊं कि ये होता किस तरह है, कैसे है। तो होता ये है कि आपके पास एक आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वेदर इट्स नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस और एन इंटरनेशनल, डजंट मैटर, दुबई के अंदर मैटर नहीं करता। दुबई के अंदर आपके पास बस एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे आपका पासपोर्ट। जब आप ये दो चीजें उनको जमा करवाते हो, ठीक है, पहले ही चाहे आप ऑनलाइन जमा करवा दो, ठीक है, तो आपको गाड़ी एयरपोर्ट तक पे आके मिल जाएगी गाड़ी। आप वेदर इट्स ए फरारी और एनी कार, ठीक है, वो आपसे ये नहीं पूछते कि जी आपने कभी ये पहले चलाई हुई है, नो, उनको पैसे से गर्ज है, ठीक है, आप उनको देते हो, वो पर डे आपकी गाड़ी लेते हैं। लेकिन एक्जॉटिक कार्स के एक और भी सीन होता है कि ये रोज चेक भी होती है, वो कहीं ना कहीं मिडवे में आपको कॉन्टेक्ट करते हैं कि जी हमारा एक सर्वेयर आ रहा है, ठीक है, आज एक दिन पूरा हो गया 24 घंटे, तो हम गाड़ी चेक करना चाह रहे थे, तो इसको जरा गाड़ी चेक करवाते हैं, तो हम लोग वो करवा देते थे। लेकिन अगर किसी को कोई डिस्काउंट वगैरह चाहिए हो, अगर कोई भी किसी किस्म का डिस्काउंट चाहिए हो, कोई सर्विस लेना चाह रहा हो, ठीक है, तो डेफिनेटली कॉल मी अप, और मैं जो हूँ आप लोगों को डिस्काउंट भी करवा दूंगा, क्योंकि मेरी तो अब यारी दोस्ती है उसके साथ, मेरे तो भाइयों की तरह, तो मैं तो लड़ लुड़ा के कर ही लेता हूँ उसके साथ। तो दूसरे नंबर पर यह है कि क्या कहते हैं, आप लोग जो है इस सर्विस को कभी ना लेने से डरें, ठीक है, अगर आपको समझ आती है कि ये अच्छी सर्विस है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप इन्हीं से ही लें, ठीक है, वरना मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि बिल्कुल मत डरे, अक्सर लोग डरे होते हैं, फरारी बज गई, नेगेटिविटी प्लीज निकालें अपने दिमाग से कि बज गई, ठीक है, हो सकता है ना बजे आपसे, हो सकता है आप केयरफुल ड्राइवर हो, आप ना चवले मारे और ना आपके हाथों इस तरह की भी कोई भी इस तरह की कोई चीज हो। तो इसलिए मैं जब 2014-15 में पहली दफा गाड़ी ली थी, आई वाज स्केर्ड, लेकिन आज मैं किसी भी मुल्क में जाता हूँ जब भी, ठीक है, मैं वहां के रेंट कार ही यूज करता हूँ, मुझे नहीं सुकून होता कि मैं जी जाके उबर करीम और इस तरह की चीजों पे इतना पैसा जाया करूं। जितना आप उन चीजों में पैसा जाया करते हो ना, आप रेगुलर कार नहीं, आप सूप्ड अप एग्जॉटिक कार उतने में लेके आप इंजॉय कर सकते हो उतने दिन, ये मैं आपको ऑनेस्टली सच बता रहा हूँ। तो मैं तो खैर जब भी जाता हूँ मैं तो एग्जॉटिक कार ही वहां से लेता हूँ, चाहे मैं थाईलैंड या कहीं भी गया हूँ, लंदन गया हूँ, जहां भी गया हूँ, दुबई गया हूँ, तो मेरा यही होता है कि मैं जो है ना वहां पे ड्राइविंग जो है खुद करूँ, और मुझे आती भी है, और ऊपर से सबको ही आती है यार ड्राइविंग, कोई बड़ी चीज नहीं होती। आप देखो जब स्टेयरिंग चलाना जानते हो और गाड़ी को बचाना जानते हो ना पाकिस्तान में भी, तो आप हर जगह दुनिया में गाड़ी चला लोगे, इसके तो कोई ऐसी साइकिल साइंस नहीं है कि जी कोई अलहदा से दुबई का क्राइटेरिया, कुछ भी ऐसा नहीं है, आपने सिर्फ उनका लेन असिस्ट सिस्टम समझ जाए कि अच्छा उस साइड पे गाड़ी हमारे पाकिस्तान में इस साइड भी चलती है तो उधर उस साइड भी चलती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये है कि आपने ये देखना होता है कि कहाँ पे गाड़ियां जो है पार्क हो रही है, कहाँ नहीं, ऑब्वियसली आपकी अपनी एक ऑब्जर्वेशन होती है, ऑब्जर्वेशन क्विक रखें तो सब कुछ चलता है, मैं तो ऐसे ही चलाता हूँ। तो मैंने कहा मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँ, और किसी को भी DXP लग्जरी कार हायर से कोई डिस्काउंट चाहिए हो, डू कॉल मी अप या डू लीव मी अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।